अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आप सबको न्यू न्यू वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर तेज़ तूफान आया है और काफ़ी तेज़ है। छत पे मैं खड़ा हूँ, देख रहे होंगे पीछे ट्रीज देखें कि तेज़, यानी कि कितना तेज़ वाइब्रेट कर रहे हैं। और आज फिर कई बर्ड्स के नेस्ट वगैरह गिरेंगे, क्योंकि लास्ट जब आया था तब भी आपको बताए थे एग्रेट के बच्चे काफ़ी ज़्यादा अंडे और बच्चे और भी कई जो बर्ड्स हैं छोटी चिड़ियाँ वगैरह उनके नेस्ट उड़े और कई बहुत सी की डेथ हुई थी। उसके बाद अभी दोबारा, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है सभी बर्ड्स की ब्रीडिंग का, और दोबारा कईयों ने नेस्टिंग की होगी, दोबारा कईयों ने अपने घोंसले बनाए होंगे। आज अब पता नहीं किस किस का कौन कौन से परिंदे बेघर होंगे। और चलिए मैं देखता हूँ कि अगर तो थोड़ा सा रुकेगा थमेगा तो चक्कर लगाते हैं भाई। जो एग्रेट्स हैं मेरे ख्याल में दोबारा शायद किसी ने अंडे दिए हों, बच्चे हों, उन्हीं जगहों पर दोबारा मैं आपको ले कर भी चलूँगा थोड़े से, क्योंकि मैं अभी बाइक भी नहीं चला सकता, पैदल जाने का मूड नहीं है। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये थमें और उसके बाद मैं बाइक लेकर निकलूं और चेक करते हैं फिर क्या रिज़ल्ट आया भाई। पिछली दफ़ा भी काफ़ी नुकसान हुए थे, काफ़ी ज़्यादा घरों की छतें गिरी और भी बहुत से परिंदों इंसानों के अब काफ़ी नुकसान हुआ है जानों का। ये कबूतर पता नहीं किसका गिर रहा है, एक ये बाहर आरू पे बैठा हुआ है और एक ये शायद बारिश भी है इसके बाद, क्योंकि अक्सर बारिश आती है। वो ट्रीज मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ज़्यादा जूम करने से बढ़ जाती है इसके पिक्सल। काफी तेज है, मोबाइल भी मैंने पकड़ा हुआ है बड़ा जोर से। अभी उस जगह पे आए हैं जहाँ पे एग्रेट्स के नेस्ट हैं, ये देखिए एक बैठ रहा है। देखने आया था कि यहाँ पे फिर कोई बच्चे वगैरह बच्चा पार्टी तो नहीं है, तो एक तो ये एग पड़ा हुआ है टूटा हुआ, कुछ एग्स के छिलके, बच्चा तो अभी कोई नहीं मिला। तूफान काफी तेज है, देखें कोई चीज नहीं नजर आ रही। यहाँ पे भी ये जो पानी के आपको ये कतरे नजर आ रहे हैं तो ये अंडे गिरे थे मेरे ख्याल में, अंडे टूट गए और छिलके वगैरह इनके आगे की तरफ निकल गए हैं। तो अभी तक तो कोई बच्चा नहीं मिला, ये एक अंडा पड़ा है और ये अंडे के छिलके कुछ पड़े हैं। और ऊपर मेरे ख्याल या तो बड़े पेयर्स बोल रहे हैं या बच्चे बोल रहे हैं इनके। ये चेक कर, फुल तूफान है इस टाइम। अल्लाह सबको अपने जो मान में रखे, किसी का कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, घरों का भी हुआ, इंसानों का भी हुआ, जानवरों का भी हुआ, परिंदों का भी हुआ, हर चीज़ का। तो आज भी उसी हिसाब से है, तो अल्लाह खैर करे अभी तक तो कोई ऐसा चांस नहीं नज़र आ रहा। दूसरी जगह पे भी जा कर देखते हैं। अभी ये दूसरी जगह पे आए हैं जहाँ पे आपको पिछली बार दिखाया था कम से कम 30 से 40 बच्चे, 30 तो पक्के थे यहाँ पे गिरे थे। और बस पता अगले दिन चला,
बचा सकते हैं। इनमें से एक सरवाइव कर रहा है हमारी तरफ, इंशाल्लाह उसको कुछ डेज बाद एक वीक के अंदर अंदर मेरा मूड है कि उसको रिलीज करूँगा। किस तरह बाहर यहाँ पे अभी मैं आया हूँ, यहाँ पे एक ये बच्चा गिरा है, ये मिला है, एक की डेथ हुई पड़ी है और इसके अलावा कोई और मुझे ना एग मिले हैं ना कोई बच्चा भी नज़र आया है। मैं भी अभी बच्चे हूँ ना, और अगर हुए तो शायद बड़े हैं जो कि अपना खुद। कितनी तेज़ हवा चल रही है, मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं घर भी रह सकता था। पिछली दफ़ा जितना दुख हुआ है कि 30 से 40 के बच्चे थे, जो कि बच्चों ने मुझे बताया कि जिंदा भी थे कुछ, कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे, और जो रातों रात बारिश भी आई है मर गए थे सुबह तक। तो काश के अगर वो रात को उठा लिए जाते तो उम्मीद थी कि काफ़ी बच्चे बच जाने थे जो कि सारे मर गए थे। अभी इसी वजह से आया हूँ कि अभी आंधी चल रही है, मैंने कहा कोई अगर यहाँ पर बच्चे मिल जाते गिरे हुए तो मैं उनको हैंडल कर लेता, लेकिन अभी अल्लाह ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा बच्चा हुआ मिला है, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सपायर है, डेथ हुई पड़ी है उसकी। इसके अलावा कोई और मुझे बच्चा याद नहीं नजर आ रहा, ये वो पड़ा हुआ है। चले अल्लाह खैर करे, ठीक है। अभी दोनों तरफ उधर भी अंडे थे, कोई बच्चा नहीं गिरा, और यहाँ पर भी कोई ऐसा सीन नहीं है क्योंकि बारिश आने वाली है। बादल ये देखें, आवाज़ें आ रही होंगी आपको, घर भी जाना है ये देखें, चेक करें। ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बारिश मेरे ख्याल आ ही गई है, आ गई बारिश आ गई। मुझे लगता है यहीं पर रुकना पड़ेगा, बारिश हो जाए तो फिर निकलना पड़ेगा।